और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। ये बड़ी खबर, 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये खरीद जो है वो होगी। ओलावृष्टि होने से कम होगी गेहूं की आवक, इस वक्त की बड़ी खबर। 29 मार्च को कई जिलों में हुई थी ओलावृष्टि, तो हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो रही है, आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें, आज से गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो शुरू होने जा रही है, और आज से ये खरीद जो है वो गेहूं की शुरू हो जाएगी सरकारी खरीद। 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये जो खरीद है वो होगी। तो ओलावृष्टि होने से कम होगी गेहूं की आवक। 29 मार्च को कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से कई किसानों की जो गेहूं की पकी पकाई फसल थी वो नष्ट हो गई थी। ओलावृष्टि से कई जगह पर फसलें खराब हो गई थी, जिसकी वजह से अभी माना भी जा रहा है कि इसकी जो आवक है वो कम हो सकती है। तो गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो रही है और तमाम इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बता दें आपको जो खरीद है होगी। ओलावृष्टि होने से कम होगी गेहूं की आवक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओलावृष्टि से कई जगह फसल जो है वो खराब भी हुई है, किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इसकी वजह से। इंद्री से संवाददाता विजय काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, आज से गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो शुरू होने जा रही है, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं इसको लेकर? जी देखिए, 1 अप्रैल है आज, और आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन यदि इंद्री अनाज मंडी की बात करें तो फिलहाल गेहूं नहीं आ पाई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि आपकी बार जो मौसम का जो परिवर्तन लगातार हो रहा है, कभी गर्मी हो जाती है और उसके बाद तुरंत बारिश हो जाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बार गेहूं की फसल में कुछ रुकावट है, यानी कि देरी है, क्योंकि अभी कहीं पर भी इस तरह की कटाई शुरू नहीं हुई और कटाई होने के बाद 2-3 दिन के बाद ही गेहूं जो है अनाज मंडी में आएगी। यदि प्रशासन की बात करें, मंडी प्रशासन की बात करें तो मंडी प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं तो की गई है। मंडी में सभी प्रकार की, चाहे वो पीने की व्यवस्था हो या किसानों के रहने की व्यवस्था हो या किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर के भी मंडी प्रशासन सजग है और मंडी का जो है सफाई वगैरह करा दी गई है, क्योंकि अभी 25 से 26 तारीख से जो है सरसों की खरीद भी शुरू हो चुकी थी यहाँ पर, और क्योंकि व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। लेकिन गेहूं आने में अब लगभग ये मान के चले कि 1 सप्ताह अभी लगेगा गेहूं की फसल आने में, और उसके बाद ही स्थिति का पता लग पाएगा कि किस प्रकार से किन कौन कौन सी एजेंसी इसमें यहाँ पर खरीद करेगी। अभी तक इस बारे में भी पता नहीं लगा है कि कौन कौन सी एजेंसी यहाँ पर आकर के खरीद करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंडी के जो आढ़ती हैं, किसान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था आने वाली है, क्योंकि हर साल जो है 1 अप्रैल से मंडी में खरीद शुरू हो जाती है। अब की बार 1 तारीख से गेहूं की खरीद है, पर गेहूं कम से कम 10 तारीख से पहले गया है, क्योंकि अब की बार मौसम थोड़ा लंबा ठंडा चला है, तो इसकी वजह से 10 तारीख के बाद ही गेहूं आएगी, उसके बाद ही परचेज चालू। तो क्या है, मौसम बार बार परिवर्तन हो रहा है, किसानों का कुछ बार बार परिवर्तन हो रहा है, जैसे पीछे सरसों में नुकसान हुआ, ओवड़े आए, सरसों में भी नुकसान है, सरसों की एवरेज भी कम है, उसका दाना भी थोड़ा पतला, उसकी वजह से बेचने में भी दिक्कत आ रही है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं में भी कई जगह पे ओलावृष्टि की वजह से या बारिश की वजह से नुकसान है, इल का तो अब आगे आपकी पता लगेगा क्या करें। तो क्या उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर आने की है? 10 तारीख के आसपास आ जाएगी, 10 के आसपास स्टार्ट होगा। जी, ये सुरेंद्र जी थे, इन्होंने कहा कि लगभग 10 तारीख से उम्मीद है आने की। मंडी प्रधान भी यहाँ पर मौजूद है, हमसे बातचीत करने के, मंडी की किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है? जी सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर जो है बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और मंडी में किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, क्योंकि हर साल 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है? नहीं, मंडी में तो अभी देखो, अभी कल हमारे सेक्टर से मीटिंग हुई थी, कल परसों सॉरी शनिवार को मिले थे, सब उनकी व्यवस्था पूरी है, बारदाना भी आ चुका है इनका गोदाम में। अब जो गेहूं की फसल थोड़ी लेट है इस बार,
क्योंकि जो है ना बारिश और सर्दी थोड़ी लंबी चली है, अब की बार 10 तारीख से पहले तो फसल मार्केट में आएगी नहीं, बाजार में जो है ना 5 तारीख के बाद कोई इसका देखो रेडिया हो जाएगी, जो फसल का जो प्रेस होगा वो 10 तारीख के बाद यहाँ पे। बाकी ये उन्होंने अवस्था अच्छी की है, लाइटिंग की, उसकी पानी की सुविधा की, किसानों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा कर रहे सबके साथ और ठीक है। तो येलो पट्टी भी लगाई गई है, हाँ येलो पट्टी का हमने अभी 4 दिन पहले सेक्शन को ये लिख दिया था, तो सेक्शन ने तुरंत ही कार्रवाई की और उन्होंने येलो पट्टी लगवा दी। विजय लौटूंगी आपके पास, परमजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमजीत पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, सरकारी खरीद गेहूं की आज से शुरू हो रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई है? बिल्कुल अजय, देखिए आज पूरे हरियाणा के अंदर जो है 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है और जिन जिले में 28 केंद्र बनाए गए हैं जहां गेहूं की खरीदारी होगी और MSP के रेट पर ही 2275 रुपए जो है तय किया गया है। MSP पर ही सरकार जो है गेहूं की खरीदारी करेगी, उसको लेकर जो मंडी प्रशासन है उसने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ पे जो है साफ सफाई की अगर बात करें तो पहले कर्मचारी को आदेश दे दिए थे कि मंडी को पूरा सफाई जो है करें आप, ताकि जो गेहूं में मिट्टी ना मिल सके किसानों के। तो देखिए जी जिला जो है ऐसा जिला है जब यहाँ पे जो है कुछ लेट ही जो है फसल मंडी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75 गेहूं बोते हैं, क्योंकि करनाल साइड की अगर बात करें, सिरसा साइड की बात करें, वहां पे अगेत्य फसल जो है अगेत्य किसान गेहूं होते हैं, तो इसके कारण वहां जल्दी फसल चली जाती है। इस आज जो है करीबन 1 सप्ताह जो है यहाँ पे जरूर लगेगा के बाद गेहूं आना शुरू होंगे। और देखिए अब की बार 3 एजेंसियां जो है खरीदारी की है करेंगी, FED, CWC और FED जो, तो उसको लेकर जो है मंडी प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि पिछले साल की अगर बात करें तो किसानों की जो फसल थी वो भीग गई थी, मंडी में सेट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब की बार मंडी में 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है दो सेट बनाए गए हैं। और देखिए पिछली बार जो है 2 साल से सेड की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मंजूरी नहीं मिली थी, जो है वो सेड गंडम हो गए थे, तो उनको दोबारा से जो है नए लगाए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत आए। हालांकि अब की बार प्रयास ये लगाया जा रहा है कि जो गेहूं की फसल है किसानों की वो कम होगी, क्योंकि हर बार जो है किसान को दो बारिश के कारण जो है 2-4 होना पड़ता है, मौसम की मार जरूर किसान पर पड़ती है, क्योंकि किसानों की जो फसल है अब की बार जो है ओलावृष्टि ज्यादा हुई, जिसके कारण से किसानों की जो फसल है वो बिल्कुल कम हुई है। और हालांकि जो किसान है वो भी सरकार परमजीत क्योंकि आप वहाँ खड़े हैं तो आप जरा वहाँ के इंतजाम आप दिखाइए मुनासिब हो, किस तरीके के इंतजाम वहाँ पर मंडी में किए गए हैं, ताकि किसान जो वहाँ पर अपने गेहूं की फसल ला रहे हैं वहाँ पर किस तरीके, जैसे आपने बताया कि शेड जो है वो बनाया गया है ताकि जो किसानों की लाई हुई फसल है वो खराब ना हो, क्या कुछ इंतजाम है वहाँ, उन तस्वीर अगर दिखाएं। बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है शेड लगाया गया है, देखिए जो पिछले साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2 शेड लगाए गए हैं मंडी में, क्योंकि काफी दिनों से मंडी में सेट की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते जो है किसानों की जो फसल है वो जो है बारिश होती तो वो खराब हो जाती थी। और देखिए पूरी तैयारियां जो है मंडी तक की तरफ से की गई है, अभी फिलहाल धान की फसल है ये, क्योंकि अभी टाइम लगेगा गेहूं की फसल आने में। तो और इस बार देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की बात जो है 10 रुपए में भर पेट भोजन मिलेगा, 10 रुपए में यहाँ पे कैंटीन बनाई गई है, वहाँ पे जो है किसान 10 रुपए में अपनी जो है भर पेट तक खाना खा सकते हैं। टॉयलेट की जो है वो सफाई करवा दी गई है, वाटर कूलर की, ठीक बिल्कुल। विजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए इंद्री से, विजय आप भी वहां पर व्यवस्थाएं दिखाएं, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की हुई है ताकि जो किसान अपनी फसल लेकर आ रहे हैं कम से कम वहां पर रखने की ठीक व्यवस्था हो वहां पर, और क्योंकि बेमौसम बारिश भी लगातार हो रही है तो ऐसे में उनकी फसल ना खराब हो पाए, तो दिखाएं वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई। जी अंजलि जी, मैं बताना चाहूंगा कि यदि इंद्री अनाज मंडी की बात करें तो इंद्री अनाज मंडी में 4 शेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 1 शेड ये है जहां पर अभी हम खड़े हैं, और इसके ही जो है बाई साइड भी शेड बने हुए हैं, दो भागों में इस मंडी को बांटा गया है, दोनों ही जो भाग हैं उनमें दो दो शेड लगाए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, यदि बरसात आ जाती है तो ये शेड जो है उस बरसात में जो है किसानों की फसल इसके नीचे लेकर के आ सकते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या जो आती है जब पूरा जब सीजन चल जाता है, पीक पर जब सीजन होता है तो ये शेड भर जाते हैं, तो लिफ्टिंग में कहीं ना कहीं समस्या आती है। अब की बार लिफ्टिंग में क्या रहेगा, क्योंकि पिछले साल ठीक रही थी लिफ्टिंग, तो उम्मीद है अब की बार भी लिफ्टिंग सही रहेगी, क्योंकि मंडी के जो तमाम जो कार्यकारिणी है यहाँ पर
यूनियन दो है यहाँ पर, दोनों की ही एक बैठक हो चुकी है मंडी प्रशासन के साथ, और मंडी प्रशासन ने भी इनको आश्वासन दिया है किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं आने। अब की बार जो है आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जहां से ये ट्रक आ रहा है इस पे येलो पट्टी लगाई गई है, ताकि जो अनाज है जो किसान अनाज लेकर आएगा इस येलो पट्टी के बाहर रहेगा, ये येलो पट्टी आने जाने के लिए है, ताकि लिफ्टिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि जो रास्ता है उस पर भी अनाज डाल दिया जाता है और आने जाने में और लिफ्टिंग में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब की बार जो है व्यवस्था बढ़िया की गई है। उम्मीद है कि पूरे सीजन में किसी प्रकार की भी दिक्कतों का सामना आढ़तियों को और किसानों को नहीं करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कम्बोज आपका और परमजीत पवार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है, और किस तरीके की व्यवस्था अनाज मंडियों में की गई है उसकी तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई।